हेलो फ्रेंड्स, नेगी स्किल्स पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर जिसका संबंध न सिर्फ धागा मिल बल्कि जो लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उनसे भी है। तो आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कि कपड़ों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जैसे ही हम लोग मशीनों पे जाते हैं, हर एक मशीन के ऊपर उसकी पहचान के लिए एक काउंट बोर्ड लगा होता है, जिसे हम काउंट बोर्ड कहते हैं। काउंट बोर्ड हमें यह बताता है कि इस मशीन पर कौन सा काउंट चल रहा है, कौन सा माल चल रहा है, किस प्रकार। तो ये जो काउंट बोर्ड है, ये आप सबने देखा होगा मशीनों के ऊपर, ये काउंट बोर्ड। तो इस काउंट बोर्ड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हो, काउंट सबसे पहले काउंट का नंबर लिखा होता है, काउंट लिखा होता है नंबर। नंबर से हमें धागे की मोटाई का पता चलता है। उसके बाद लिखा होता है एनई। एनई जो हम काउंट बनाते हैं उसको बनाने का एक तरीका होता है। एक पाउंड वजन के धागे में 840 गज लंबाई की जितनी भी लचियां या गोले बनते हैं वही उस धागे का काउंट होता है। काउंट के बारे में जो वीडियो है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके आगे लिखा होता है सी एच ई या के एच ई, कुछ इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। तो आज हम इन सारे काउंट बोर्ड को समझेंगे कि वास्तव में काउंट बोर्ड के ऊपर जो ये नंबर लिखे होते हैं ये हम पढ़ तो लेते हैं, कई बार हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होता है, लेकिन आज विस्तार से जानेंगे कि काउंट बोर्ड के ऊपर जो सी एच ई या के एच ई या के डब्ल्यू एच, ये जो चीजें लिखी होती हैं इसका मतलब क्या है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो काउंट बोर्ड के ऊपर जो सबसे पहला अक्षर लिखा होता है के या सी, वह धागा बनाने का तरीका है। दूसरा डब्ल्यू या एच, वह धागे का उपयोग। तीसरा जो है वह होता है कि यह धागा कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक। तो इसी प्रकार सी एच सी, सी का मतलब कॉम्बर्ड, एच होजरी और अंतिम सी का मतलब कॉम्पैक्ट यार्न। इसी प्रकार के डब्ल्यू ई, कार्डेड वार्प एक्सपोर्ट। तो कार्डेड और कॉम्बर्ड के धागे में अंतर को समझने के लिए हमें पहले उनका प्रोसेस समझना होगा। तो प्रोसेस में जो कार्डिंग का धागा है, कार्डिंग मशीन के बाद यह धागा ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम और ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम से सीधा फिनिशर ड्रॉ फ्रेम पे आ जाता है। जबकि यही प्रोसेस अगर कॉम्बिंग मशीन में हो तो कार्डिंग के बाद ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम, ब्रेकर ड्रॉ फ्रेम के बाद ले फॉर्मर और कॉम्बर, उसके बाद फिनिशर ड्रॉ फ्रेम। तो इस तरीके से यह प्रोसेस होता है। बीच में कॉम्बर मशीन का क्या काम है वह हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। तो कॉम्बर मशीन क्या करती है, शॉर्ट फाइबर और नॉयल वेस्ट निकाल देती है, जिससे कि रेशों की औसत लंबाई बढ़ जाती है। तो जो वो धागा बनता है ज्यादा मजबूत बनता है, ज्यादा चमकदार बनता है और ज्यादा मुलायम या कोमल होता है। जो हेयरिनेस है वो कार्डेड धागे में ज्यादा होती है। इसके अलावा कपड़े की अगर बात करें, कार्डेड और कोम्बर्ड के कपड़ों में कार्डेड का जो कपड़ा है कोम्बर्ड के मुकाबले ज्यादा श्रिंकेज होता है। एक और जो मुख्य फर्क होता है, कपड़े के जीएसएम पर इसका महत्वपूर्ण असर होता है। कार्डेड में जो जीएसएम होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, वो कम होता है। कॉम्बर धागे में टीपीआई ट्विस्ट पर इंच कम रखा जाता है कार्डेड से। कॉम्बर का जो धागा है वह ज्यादा कोमल होता है, ज्यादा मुलायम होता है, जिसकी वजह से हमें पहनने में ज्यादा आरामदायक होता है। तो यह कुछ अंतर है कार्डेड और कॉम्बर धागे के बारे में। कार्डेड और कॉम्बर धागे में क्या अंतर है, ये बनाने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको बताया। आप उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसका जो अगला भाग है उसमें हम बताएंगे होजरी और वार्प के धागे में क्या अंतर है। जो क्योंकि जो के बाद लिखा होता है एच या डब्ल्यू, तो एच और डब्ल्यू, होजरी और वार्प, तो इसके बारे में हम आपको इसकी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।
तो जल्दी मिलेंगे दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।